subscribe to our YouTube channel Van Fin Multibaggers and press the bell icon to see the latest updates and videos. Van Fin, discover opportunities, create wealth. और सबसे पहले नजर आली आज के बीएससी एसएमई आईपीओ इंडेक्स के हालचाल पर, तो मजबूती के साथ वहां पे कामकाज होता वो आपको नजर आएगा। ये देखिए आपकी स्पीच पे 13 पॉइंट यानी कि 3/4% की बढ़त, 1840 के ऊपर ये इंडेक्स इस समय ट्रेड करता हुआ। लेकिन गेनर्स और लूजर्स एक बार स्क्रीन पर लाएं क्विकली, फिर आज की पिक ऑफ द वीक लेकर आऊंगा आपके लिए। ब्रांड कंसेप्ट 5% ऊपर, श्रद्धा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स नागपुर 9.5% का उछाल, सीएमएम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और क्रिएटिव पेरिफेरल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में 5-5% की मजबूती के साथ हो रहा है इस समय कामकाज। लेकिन दबाव कहां है? एएनएम जंबो बैग्स, ये स्टॉक इस समय कमजोरी के साथ 5% की, एरो लैम्प 6.5%, ग्राउंड लिफ्टर्स और मानव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स दोनों में 4-5% की गिरावट या दबाव के साथ हो रहा है इस समय ट्रेड। लेकिन आज है एसएमई पिक ऑफ द वीक का समय और मार्केट एक्सपर्ट शाइना मुकादम मेरे साथ जुड़ती हुई। शाइना, हाय, गुड आफ्टरनून। बताएं मैम, आज कौन सा स्टॉक आपके रडार पर है? आज मैं कंपनी इन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड केबल जैसे एक छोटी कंपनी है वीटो स्विच गेयर, ये कंपनी को आज रेकमेंड करती हूँ। काफी छोटी कंपनी है, उनका टर्नओवर FY18 में लगभग 120 करोड़ था, 123 करोड़ था, और ये साल में FY19 में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 140 से 150 करोड़ का टर्नओवर होगा। एक्चुअली ये कंपनी का अच्छा ब्रांड है इन वेस्टर्न, जैसे अभी गुजरात हो, राजस्थान हो, नॉर्थ इंडिया हो, यहाँ पर उन्होंने एक अच्छा ब्रांड क्रिएशन किया हुआ है अपने प्रोडक्ट्स का। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज आर सोल्ड अंडर द ब्रांड ऑफ वीटो, और उनका जो वायर्स एंड केबल्स है उसका ब्रांड है वीटो पावर एंड विमल पावर। ये दिस कंपनी इज एन एग्जांपल कैसे छोटी एसएमई कंपनी इट माइग्रेट्स एंड लिस्ट्स इनटू द मेन बोर्ड। तो अभी ये एज ऑफ नाउ हैज माइग्रेटेड रिसेंटली एंड नाउ इट इज लिस्टेड ऑन द मेन बोर्ड। यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखो तो कंपेयर टू अदर मेन बोर्ड कंपनीज वैल्यूएशन फॉर दिस सेक्टर इज ऑलमोस्ट अबाउट 30-40 टाइम्स पी। बट अगर आप उनका जो FY19 का एस्टिमेट लेते हैं तो यहाँ पर EPS ऑलमोस्ट 15 रुपीज का EPS होने का एस्टिमेट है। तो अगर पी लेते हैं करंट प्राइस अबाउट 150, इट इज जस्ट अबाउट 10 टाइम्स। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू अ स्मॉल कंपनी, जो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस बिकॉज ऑफ द ओवरऑल मार्केट हैज एक्चुअली कम डाउन, काफी आया है नीचे। जैसे 400 रुपए था ऑलमोस्ट अबाउट अ ईयर बैक, करेंटली इट्स एट अराउंड 150-150 रुपए का भाव है। सो टू दैट एक्सटेंड आई थिंक वैल्यूएशन वाइज एंड ऑल्सो पोटेंशियल वाइज, सेगमेंट वाइज, सब ये ऑल थ्री थिंग्स वर्क इन कंपनी के फेवर में ओवर द मीडियम टू लॉन्गर टर्म। ओके, तो वीटो स्विच गेयर एंड केबल्स, ये वो कंपनी है जो पसंद आती है एसएमई पिक ऑफ द वीक। लेकिन ये एसएमई से प्लेटफॉर्म से माइग्रेट होकर मेन बोर्ड पे आ चुकी कंपनी है, ध्यान रखें। एग्जाम्पल है कैसे अच्छी कंपनी वहां से माइग्रेट करके यहां पे आ रही हैं और वैल्यूएशन इन लेवल्स बेहद अट्रैक्टिव है। स्टॉक का 265 का December 2017 में हाई था, तो वहां से करेक्ट होकर ऑलमोस्ट अपने साल के लोस से अब ये बाउंस कर रही है। साल के लोस थे 142 के आसपास के, तो उन लोस से वो बाउंस करती हुई और इन लेवल्स पे वैल्यूएशन बेहद अट्रैक्टिव, अपने पीयर्स से कहीं सस्ता इस समय कामकाज करती हुई। चलिए शाइना, आपका धन्यवाद। और क्विकली आज के ऑनगोइंग जो इस समय ऑनगोइंग आईपीओ से बता देता हूं आपको, रंजीत मेकाट्रॉनिक्स 17 सितंबर को बंद होगा, 25 रुपए का इशू प्राइस है। अहलादा इंजीनियर्स 18 सितंबर को बंद होना है, 147 से 150 का ऑफर प्राइस है। और फाइनली है AKJ एग्जिम, इसका आईपीओ बंद होना है 14 सितंबर और 31 रुपए पर शेयर इसका ऑफर प्राइस रखा गया है। 14 सितंबर मतलब आज ही आईपीओ बंद होगा। चलिए तो ये एसएमई कॉर्नर आज का। लेकिन हाँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर्स चल रहे हैं, आप कोई भी क्वेरी हो एसएमई से जुड़ी हुई #SME करके क्वेरीज भेज दें। कोशिश करूंगा इसी प्लेटफॉर्म पे आपकी तमाम क्वेरीज को एक्सपर्ट्स के जरिए सॉल्व कराऊं। चलिए इस नोट पे आज के एसएमई कॉर्नर, इनफैक्ट आज के न्यू ईयर कंपनी में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार हर्षदा वीरेन लेकर आएंगे आपके लिए आखिरी सौदा। नमस्कार एंड